हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता, जिससे कि आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ आपके इस स्टैंडर्ड में नहीं, आने वाले स्टैंडर्ड्स में भी आपको ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही यूज़फुल रहेगा अगर आप मैथमेटिक्स को एज सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो। ओके, तो आपके पास जो एक्सरसाइज 15.1 है आपकी मैथमेटिक्स की बुक में, और उसका फोर्थ नंबर को क्वेश्चन है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए, जब भी कोई प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो होती है आपकी 0 से लेके और 1 के बीच में, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ना ही प्रोबेबिलिटी कभी 0 हो सकती है ना ही 1 हो सकती है, क्योंकि 0 तो बिल्कुल मतलब अनश्योर है वो चीज़, और 1 मतलब वो चीज़ पूरी हो गई है, इसका मतलब ये दोनों ही कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब इसके बीच में अगर कोई वैल्यू कहीं लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.99 तक कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, हमारे पास जो चार ऑप्शंस थे वो ये हैं, 2/3, -1.5, 15% और 0.7। अब देखिए, 2/3 को अगर हम डिवाइड कर ले तो 0.67 आता है, एक -1.5 है, 15% मतलब 15/100 जो इतना आता है, और 0.7, इसका मतलब ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रही हैं, जबकि एक जो वैल्यू है हमारे पास वो नेगेटिव में है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ पी इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी नॉट ई, नॉट ई को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब किसी चीज़ के होने की प्लस किसी चीज़ के न होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अब देखिए, पी की वैल्यू हमको दी हुई है और हमको निकालनी है पी नॉट ई, तो ये हो जाएगा 1 - PE, और पी की वैल्यू हमको गिवन है 1 - 0.05, जो कि आएगा आपका 0.05। ऑलराइट, अब देखिए छठवां नंबर का क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखिए, एक बैग है जिसमें कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ रखी हुई हैं, मालिनी उसमें से क्या करती है, कैंडीज़ निकालती है उस बैग में से बिना कुछ देखे हुए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि जो उसने निकाली है अन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखिए, उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, तो ऑरेंज निकालने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो है चांसेस 0। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, क्योंकि अगर वो उस बैग के अंदर हाथ डालती है और कोई ना कोई अगर वो कैंडी निकाल रही है और उसमें सारी लेमन ही है, तो प्रोबेबिलिटी तो है ही, चांसेज हैं ही पूरे 1। ओके, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। देखिए, अब एक क्लास है जिसमें कि 3 बच्चों का एक ग्रुप है, 3 लोगों का एक ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स का, और उसमें से 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे न होने की, एक जैसा बर्थडे न होने की 0.992 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमको निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। इसका मतलब देखिए, सेम फार्मूला हमारा देखिए फिर से काम आएगा, नॉट ई वाला, पी नॉट ई हमको गिवन है 992, और पी ई हमको निकालना है, तो 1 माइनस हो जाएगा 1 - P नॉट ई, 1 - 0.992, विच इज इक्वल टू 0.008। ओके, ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन रेड। अब देखिए, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स रखी हुई हैं, देखिए रेड रखी हुई कितनी 3, ब्लैक रखी हुई हैं 5। अब वो बोल रहे कि उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल उसमें से निकले वो रेड है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फंडामेंटल रूल है कि टोटल चांसेस कितने हैं। देखिए, बॉल्स वहाँ टोटल कितनी हैं, 8 हैं, तो 8 ही बॉलों में से निकाली जाएंगी, तो वो आपको अपॉन के नीचे लिख लेना है। अब रेड बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल्स थी कितनी 3, हो गया 3/8, मतलब 3 रेड बॉल्स कितने में से निकालनी थी 8 में से, तो यही प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी रेड बॉल निकालने की। अब देखिए, नॉट रेड मतलब, नॉट रेड का मतलब है कि अगर वो लाल नहीं है, तो लाल नहीं है तो कैसी होगी वो काली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 हैं वो, तो 5/8 हो गया, 5/8, 5/8। इसी क्वेश्चन को देखिए, रेड और नॉट रेड था, रेड को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पी ई, और नॉट रेड को मान लेते हैं पी नॉट ई, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए। अब देखिए, पी कितना आया हमारे पास 3/8, और पी नॉट ई कितना आया 5/8, तो हो गया ये 1,
तो आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब नॉट रेड को हम डायरेक्टली ब्लैक को ना उठा के अगर हम 1-3/8 भी करते तो भी आंसर हमारा निकल आता। अब देखिए, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। फिर यहाँ पर भी वही कर लेंगे, रेड हमारे पास है 5, वाइट हमारे पास है 8 और ग्रीन हमारे पास है 4। टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 17। ओके, अब देखिए रेड निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखिए रेड कितने हैं, टोटल रेड 5 हैं और टोटल कितने हैं 17। ओके, वाइट की कितनी है, वाइट देखिए हमारे पास 8 हैं और टोटल हमारे पास 17 है। अब वो बोल रहा है नॉट ग्रीन। अब देखिए नॉट ग्रीन का मतलब है कि वो हरे नहीं है, हरे नहीं है मतलब रेड और वाइट हो सकते हैं वो। तो रेड कितने थे 5, और वाइट कितने थे 8, तो 8 और 5 कितना होता है 13, 13/17। सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स। अब देखिए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं पहले, 50 पैसे के हमारे पास कितने हैं 100, ₹1 के हैं हमारे पास 50 और ₹2 के हैं हमारे पास 20 और ₹5 के हैं हमारे पास 10। तो टोटल हमारे पास हुआ ही है 180। ओके, टोटल हमारे पास जो कॉइन है वो है 180। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन। अब देखिए 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कितने हमारे पास 100 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 180। तो इनको हम अगर कट कर लें तो ये आ जाता है आपका 5/9। ऑलराइट, ठीक हो गया। अब देखिए विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो ₹5 कॉइन है ये नहीं है। तो अब इसके अलावा देख लेते हैं कितने हैं। देखिए 100, 50 और 20, मतलब ये 5 रुपये का कॉइन नहीं है, मतलब ये 10 नहीं है, बाकी तो हैं। तो हो गया ये आपका 170/180। ठीक है, इन तीनों को टोटल कर लिया हमने, इन तीनों को, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि 5 रुपये का कॉइन नहीं है, तो मतलब नहीं, अगर हो, अगर बोलता कि विल बी ए ₹5 कॉइन तो 10/180 आता, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं है, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाता है, कितना आ जाता है 17/18। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रोबेबिलिटी में, खास तौर से कि जितने टोटल इवेंट्स हों प्लस जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो होगा। ठीक है, मतलब अपॉन में तो वो चीज़ें आनी है जो कि टोटल इवेंट्स हों प्लस जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो आपका ऊपर की तरफ आएगा। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में 11th नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका वाला सॉल्व करेंगे। फिर भी आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।